हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज रीजनिंग के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए और अपने सभी दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। बेल आइकन ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। मैथ का 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10 और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन उन टॉपिक से लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। पहला यहां पे क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से, इसमें बोला जा रहा है सभी पेपर लड़कियां हैं, सभी पेपर लड़कियां हैं और कुछ लड़कियां धातुएं हैं। तो यहां पे देखिए, सभी पेपर, सबसे पहले आपने पेपर का एक डायग्राम बनाया, ठीक है, उसके ऊपर को दूसरा डायग्राम बना दिया लड़की, देखिए लड़की कर लीजिए यहाँ पे या लकड़ी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें क्वेश्चन में दोनों तरफ अलग अलग मैंने कर दिया, ठीक है, यहाँ पे चलो लड़की कर लेते हैं, ठीक है। सभी के सभी पेपर लड़कियाँ हैं तो इसके ऊपर को आपको जो डायग्राम आएगा वो लड़की का आ जाएगा, ठीक है, तो इसको कंप्लीट कवर करेगा क्योंकि सभी यहाँ पे बोला गया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, कुछ लड़कियाँ धातुएं हैं, कुछ यहाँ पे देखिए कुछ जब बोला जाता है तो कुछ लड़कियां, यहाँ पे लड़कियां कौन सा, लड़कियों का ये वाला डायग्राम है और आपको इसमें हल्का सा कट लगाना है और कुछ लड़कियां धातुएं हो जाएंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको तीसरी लाइन में बोला गया है सभी धातुएं ग्लास हैं, तो सभी के सभी धातुएं जो हैं ये आपकी धातुएं वाला हो गया, फिर इसके ऊपर कुछ सभी धातुएं ग्लास है, तो ये हमारा वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया है। अभी इसमें देखते हैं क्या क्या यहाँ पे निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला है कुछ ग्लास लड़कियां हैं, कुछ जो गिलास हैं वो लड़कियां हैं, देखिए कुछ गिलास आपका गिलास वाला कौन सा है, ये वाला डायग्राम है, ठीक है, ऊपर वाला, कुछ गिलास लड़कियां हैं तो आपका ये वाला बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए कुछ वाली कंडीशन तो यहाँ पे सारी में सेटिस्फाई रहेगी, ये इसके साथ में भी कुछ रहेगा और ये धातु के साथ में भी कुछ रहेगा, लड़की वाली कंडीशन, तो ये वाला आपका पहला सेटिस्फाई हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा बोला कुछ गिलास धातुएं हैं, तो कुछ गिलास धातुएं हैं, देख लीजिए एक बार, देखिए आपका गिलास वाला कौन सा हो गया, ये, और ये आपका जब धातु पूरी सभी धातुएं गिलास हैं तो कुछ धातुएं तो गिलास हो ही जाएंगी, तो ये आपका सेकंड वाला भी राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन निष्कर्ष 1 और 2 दोनों आपका निकलते हैं, दोनों राइट हो जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अभी इसके बाद 2 क्वेश्चन और करने वाले हम कथन निष्कर्ष के, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कुछ पत्थर चट्टाने, देखिए यहीं पर बना लेते हैं एक डायग्राम, कुछ पत्थर, सबसे पहले आपने पत्थर वाला एक डायग्राम बनाया, पत्थर आप पी से कर सकते हैं, कुछ पत्थर चट्टाने हैं, तो आपने एक इसको ऐसे कट किया, कुछ बोला है तो चट्टाने आपने कुछ कट करके बना दिया। फिर नेक्स्ट बोला कुछ चट्टाने हीरे हैं, तो चट्टानों में आपने कुछ इस तरीके से कट लगाया और ये हीरे वाला डायग्राम बना दिया। फिर यहां बोला सभी हीरे रतन हैं, तो आपने इस हीरे वाले डायग्राम को पूरा कंप्लीट किया और ये किसका हो गया, रतन का, ठीक है, सभी के सभी हीरे रतन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या क्या बोला गया है, कुछ रतन पत्थर हैं, तो रतन आपका ये है ये वाला डायग्राम और पत्थर वाला ये है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन बताया गया, तो नहीं बताया गया तो इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला तो नहीं होगा। नेक्स्ट आपका देखिए सभी हीरे पत्थर हैं, तो सभी हीरे पत्थर कैसे हो सकते हैं, इनके बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो सभी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, ये भी हट जाएगा। अगर यहाँ पे ये बोला जाता कि कुछ पत्थर, सॉरी कुछ रतन पत्थर हो सकते हैं, तो हो सकने वाली कंडीश्न हो सकती थी, पर जो 100% श्योरिटी के साथ में बोला जाता है निष्कर्ष और उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो वो हम नहीं मानते हैं। एक बार और सुनिएगा, अगर किसी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, जैसे पत्थर के और हीरे के या फिर रतन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और यहाँ पे बोला जाए कि कुछ रतन पत्थर हैं, तो हम नहीं मान सकते क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बताएगा। अगर यहाँ पे बोला जाता कि कुछ रतन पत्थर हो सकते हैं तो वो कंडीशन बिल्कुल राइट हो जाती, ठीक है। यहाँ पे भी बिल्कुल ये होता सभी हीरे पत्थर हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, और यहाँ पे सभी वाली अगर ये होती सभी हीरे पत्थर हो सकते हैं तो वो भी नहीं होता, क्योंकि सभी कंडीशन तो बिल्कुल एकदम अलग हो जाती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा यहाँ पे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन के जो लैंग्वेज होती है उस पर मत वो अपना लॉजिक लगाइएगा कुछ भी एक्स्ट्रा, कि कुछ पत्थर चट्टाने कैसे हो सकती है, जैसे मैं अभी ऊपर बोल रहा था, ऊपर वाला क्वेश्चन था, देखिए एक बार चलते हैं उस पर।
जैसे इसमें बोला गया है सभी पेपर लड़कियां हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि पेपर लड़कियां कैसे हो सकती है, ये क्वेश्चन में बोला गया है तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कुछ अपनी तरफ से कुछ मत ऐड करिएगा कि ये तो हो ही नहीं सकते, तो क्वेश्चन गलत है। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का ही है, कथन यहाँ पे दिया गया है सभी दिन रात है शाम रात है, यानी कि सभी दिन और शाम रात है, सभी रात सुबह है। तो बहुत अच्छा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे बोला गया सभी दिन, दिन आपका ये बना आपने रात है, तो आपने इसके ऊपर को रात कवर कर दिया, ठीक है, इस वाले को, ये कंप्लीट कवर होगा ना, सभी बोला गया है। फिर दूसरा बोला गया कि शाम रात है, इसका मतलब सभी शाम शाम भी रात है, तो ये भी आपने इसके अंदर कवर कर दिया। तो यहाँ पे ये आपका सबसे पहला जो डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम, ये कैसा बनेगा, दिन और शाम ये दोनों को दोनों कवर हो जाएंगे किससे, रात से, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में बोला गया, एक बार दिखा भी देता हूं मैं आपको, यहाँ पे बोला गया सभी रात सुबह है, सभी की सभी रात सुबह है, तो आपने जो रात वाला डायग्राम है ये वाला, इसको पूरा कंप्लीट कौन सा करेगा, सुबह वाला डायग्राम, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करेगा, तो ये सुबह वाले डायग्राम ने कंप्लीट कवर कर लिया है, तो सभी की सभी जो आपका रात है वो सुबह हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या क्या निष्कर्ष बोला गया यहाँ पे, सभी दिन सुबह हैं, सभी दिन सुबह हैं, तो आपका सभी दिन दिन ये है सुबह है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये अगर इसको कवर कर रहा है, मैं आपको पहले अच्छे से समझाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये सभी दिन सुबह बोला गया, तो सभी दिन को कौन कवर कर रहा है, रात, और रात को कौन कवर कर रहा है, सुबह, तो बिल्कुल सही हो सकता है। देखिए अगर ये इसको पूरा कंप्लीट कवर कर रहा है और ये सुबह इसको कंप्लीट कवर कर रहा है, तो ये इसके लिए भी सभी है, और जो इसके अंदर है वो उसके लिए भी सभी वाली कंडीशन बिल्कुल करेक्ट होगी, तो आपका ये पहला वाला तो राइट हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ सुबह शाम है, तो देखिए कुछ सुबह शाम बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी कुछ सुबह जो आपका है वो शाम है, यहाँ पे आपका ये सुबह वाला डायग्राम है और ये शाम वाला डायग्राम है, ये अगर इसको इसके अंदर है और ये इसके अंदर है, तो कुछ वाली कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगी। कुछ वाली कंडीशन मैं इवन आपको बता रहा हूँ, अगर दो डायग्राम ऐसे हैं और ये बिल्कुल हल्का सा ऐसे कट लगा हुआ है, ये भी कुछ की कंडीशन में आता है, और ये वाला अगर इतना कट कर रहा है ये भी कुछ की कंडीशन में आता है, और ये अगर ये मान लीजिए एक एप्पल है और उसके अंदर एक ये पॉइंट लगा दिया, तो ये पॉइंट भी कुछ की कंडीशन में आता है, ठीक है। तो कुछ वाली कंडीशन में सारी सेटिस्फाई हो जाती है, अगर वो हल्का भी उस पर कहीं भी टच कर रहा है या कट कर रहा है या फिर उसके अंदर है, तो दोनों आपके निष्कर्ष निकलते हैं, दोनों राइट हो जाएंगे। सभी दिन सुबह ये भी सही है, और कुछ सुबह शाम है ये भी बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और बहुत अच्छा चैप्टर है ये, इससे कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेली पूछे जा रहे हैं। अभी आरपीएफ का, सॉरी ग्रुप डी का, फिर आरपीएफ का एग्जाम होगा, और फिर एसएससी जीडी का होगा। आप भी पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में वीडियोज को देखते रहिए, और ये क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके एग्जाम में। पहला है, मतलब कि कथन है, सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। आप इसे सोच करके देखिए क्या आपने इसमें कंक्लूजन निकाला है। फिर पूर्व धारणा यहाँ पे दी गई है, भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। देखिए इस कथन का कहीं ना कहीं उद्देश्य ये रहा होगा कि जो भारत में ऐसे बेरोजगार होंगे, तभी इस कथन का ये मतलब, इस कथन का मतलब जो निकल रहा है वो सही निकल रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूं कथन का मतलब क्या निकल रहा है, कि सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं वह है बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, तो बिल्कुल सही, ये पहले वाला आपका पॉइंट सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बेरोजगार इंडिया में होंगे तभी ये कथन बोला गया है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले वाला राइट हो जाएगा, तो भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट पूर्व धारणा में क्या बोला गया है, सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने हेतु पर्याप्त धनराशि है, तो ये नहीं होगा। रीजन यहाँ पे जो सभी वर्ड आ गया है, ये कैसे बोल सकते हैं कि सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने हेतु पर्याप्त धनराशि है, तो ये तो कहीं नहीं बोला गया कथन में, और ना ये इस कथन से रिलेट कर रहा है, तो ये वाला हट जाएगा। मतलब इसमें ना क्या होता है, कथन और पूर्व धारणाएं वाले जो ये क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको एक स्टेप ऐसे आगे सोचना होता है कि इसको बोलने के बाद इसके पीछे रीजन क्या रहा होगा,
ठीक है। और इस रीजन को हम मतलब कि अगर जैसे सेटिस्फाई करने की बात आई, ये सभी वाला कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, ठीक है, तो आपका पहले वाला राइट होगा। तो आशा करता हूँ कि आपसे इससे कुछ सीखने को मिला होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन धीरे धीरे कवर कराता रहूँगा तो आपको अच्छे से क्लियर होता रहेगा। सेपरेट वीडियो भी मैंने कहीं इसके ऊपर बनाई है इस टाइप के क्वेश्चन के, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट चेक करते रहा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में मोरल को एल पी क्यू बी के लिखा जाता है, तो उस भाषा में गार्डन को कैसे लिखा जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या चल रहा है, एक बार माइनस वन एक बार प्लस वन चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है मोरल, तो यहाँ पे इसमें सबसे पहले माइनस वन किया गया, ठीक है, तो एल बन गया। फिर इसमें प्लस वन किया गया तो ओ के बाद में पी, आर से पहले क्यू, फिर ए के बाद बी, फिर एल से पहले के। तो इस तरीके से एक बार माइनस वन है एक बार प्लस वन है, तो इस तरीके से आप इसमें भी कर लेंगे गार्डन में भी। तो इसमें आप सबसे पहले माइनस वन करेंगे तो जी के में जी से पहले कौन सा वर्ड आता है, एफ आता है, फिर ए के बाद बी आता है, आर से पहले क्यू आता है, डी के बाद ई आता है, ई से पहले डी आता है, एन के बाद आपका ओ आता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफ बी क्यू ई डी ओ। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। सिंपल होते हैं क्वेश्चन, इसमें आपको बस थोड़ा सा अपना देखना होता है कि कितना आप एनालाइज कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, और बहुत ही इजी होते हैं। मैंने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पहले आपको करा रखे हैं इस तरीके के। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वह आरेखा चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निपुण करता है, डॉक्टर, सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा डायग्राम देखना पड़ेगा सबसे पहले तो, क्योंकि तीनों में रिलेशन तो शो हो रहा है भाई, सर्जन हो चाहे न्यूरोलॉजिस्ट हो, दोनों डॉक्टर ही होते हैं, ठीक है। तो आपको तीनों में जो रिलेशन शो कर रहा हूँ वो डायग्राम आपको देखना है तीनों में, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ, ए वाला डायग्राम हट जाएगा क्योंकि ये तीनों में रिलेशन शो नहीं करता है। फिर नेक्स्ट अगर डी की बात की जाए तो ये भी शो नहीं कर रहा है तीनों में रिलेशन, ये वाला शो कर रहा है, ये वाला शो कर रहा है। अब अगर मैं बात करूँ तो ऐसा तो नहीं हम बोल सकते कुछ डॉक्टर सर्जन होते हैं, कुछ सर्जन न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। ये तो हम बोल सकते हैं कि कुछ सर्जन न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं और कुछ न्यूरोलॉजिस्ट आपके सर्जन होते हैं, बट डॉक्टर तो दोनों ही होते हैं ना। तो एक ऐसा डायग्राम आपको देखना पड़ेगा कि ये सम वाली कंडीशन भी इनमें सेटिस्फाई हो जाए और एक डॉक्टर को दोनों यानी कि इन दोनों को कवर भी कर जाए। तो आपका ये कौन सा डायग्राम हो जाएगा, बी वाला। यहाँ पे देखिए ये सर्जन का हो गया तो ये न्यूरोलॉजिस्ट का हो जाएगा और ये दोनों के दोनों डॉक्टर होते हैं, ठीक है। कुछ सर्जन न्यूरोलॉजिस्ट भी होते हैं और कुछ न्यूरोलॉजिस्ट आपके सर्जन भी होते हैं और दोनों के दोनों डॉक्टर होते हैं, तो यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बहुत आसान है, आशा करता हूँ कि आप सभी के सभी इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। यदि दूध को कागज, कागज को आटा, आटे को ऊन, ऊन को लकड़ी, लकड़ी को चमड़ा और चमड़े को इस्पात कहते हैं, तो निम्नलिखित में से फर्नीचर बनने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि फर्नीचर बनता किस चीज़ से है। भाई सीधी सीधी सी बात है, लकड़ी से बनता है, लकड़ी को क्या बोला गया, बस ये देखना है आपको। लकड़ी को यहाँ पे चमड़ा बोला गया, तो फर्नीचर जो बनेगा वो चमड़े से बनेगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत आसान है। आशा करता हूँ कि आप सभी इसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका देखिए ये एनालॉजी से क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है, आशा करता हूँ कि आप सभी करेंगे इनको। और यहाँ पे देखिए एल ओ पी के लिखा गया है, एल ओ को पी के में कोड किया गया है, तो आर आई आर को किस में किया जाएगा। एल में से अगर मैं चार प्लस कर दूं, एल में अगर चार प्लस कर दिया जाए तो क्या बनेगा, पी आ जाएगा, और ओ में से अगर मैं चार माइनस कर दूं तो के आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही है आपका, एक बार तो प्लस चार किया गया है और एक बार माइनस चार किया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आई में अगर प्लस चार किया जाएगा तो क्या आएगा, आई में अगर चार प्लस किया जाए तो आपका एम हो जाएगा, ठीक है भाई, हाँ एम हो जाएगा। फिर आर में माइनस चार किया जाए तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम एन। तो एम एन देख लीजिए, एम एन यानी कि सी इज द राइट आंसर। तो प्लस फोर और माइनस फोर आपका चला है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ट्राई करके देखिए। देखिए नेक्स्ट भी आपका कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें प्लस वन और माइनस वन चला है। यहाँ पे अगर मैं इसमें प्लस वन कर दूं तो सी के बाद डी आता है, और टी में से माइनस वन कर दूं तो टी से पहले एस आता है। फिर इसमें भी प्लस वन तो क्यू और माइनस वन तो एम, ठीक है, यानी कि प्लस वन और माइनस वन इसमें चला है। तो नेक्स्ट एनालॉजी में आपका क्या हो जाएगा,
एम में अगर मैं प्लस वन करूँ तो एन हो जाएगा, नेक्स्ट एन होता है, फिर माइनस वन करूँ तो टी हो जाएगा, फिर एस में से माइनस वन करूँ तो आपका फिर से टी हो जाएगा, और के में प्लस वन करूँ तो आपका जी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आंसर बचेगा, एन टी टी जे, एन टी टी जे यानी कि आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। तो एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं खुद भी। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और इसी तरीके की डेली वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खुद भी करिएगा और अपने दोस्तों से भी कराइएगा, ताकि सभी हम मिलजुल के पढ़ाई कर सकें। और जो दोस्त कोचिंग नहीं ले सकते हैं या फिर किसी भी कारणवश वो बाहर नहीं जा सकते हैं सिटी में कहीं पर भी, उनको जरूर बताइएगा कि मैं आपका पूरा कोर्स भी कंप्लीट करा रहा हूँ, मिक्स क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। और इससे पहले मैं आपके लिए मैथ की कम से कम मान लीजिए स्पेशली रेलवे वालों के लिए 150 प्लस वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, रीजनिंग की भी इसी तरीके से 150 वीडियोस अपलोड हो चुकी है, अगर आपने उन नहीं देखी उनको जरूर देख लीजिएगा। ऑनलाइन टेस्ट आपका 11 बजे से स्टार्ट होता है, उसको जरूर ज्वाइन कर लिया करें, उसमें 40 से 45 से 50 क्वेश्चन आपके रहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने जो लास्ट में आपको वीडियोज दिख रही है अगर आपने नहीं देखी इनको जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पे ऊपर लिंक आता है उसको भी जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।